A warm welcome to all the students of Daud Boy Fazal Boy Primary School, Standard 2nd, Ward B, Subject Hindi. तो आज बच्चों हम लोग अ की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे. नल, न प्लस ल, नल. घर, बस, र और थ को मिला के बन जाता है रथ. ह और ल को जोड़ने से बन जाता है हल. ग और ज को जोड़ेंगे तो गज. द और ज स को जोड़ने के बाद हो जाता है दस. ज और ग को जोड़ेंगे तो हो जाएगा जग. न और उसके नीचे जो मात्रा है उसे कहते हैं हलंत. न और जब उसके नीचे हलंत लग जाता है तो उसे हम आधा न कहते हैं. फिर जब अ जोड़ते हैं तो वो पूरा न हो जाता है. ल उसके नीचे जो मात्रा है हलंत और फिर अ जोड़ने के बाद वो हो जाएगा ल और शब्द बन जाएगा नल. फ अ ल अ फल. ध ध में हमने अ जोड़ दिया. न न में हमने अ जोड़ दिया हो गया धन. न में अ जोड़ दिया फिर थ, थ में फिर से हमने अ जोड़ दिया ये हो गया नत. जल, प, प के नीचे जो मात्रा थी वो क्या थी मैंने क्या बताया, हाँ हलंत. अ प्लस थ प्लस अ इक्वल्स टू पथ, यानि प्लस यानि हिंदी में होता है जोड़ना. प्लस करना मतलब जोड़ना. थ प्लस अ प्लस न प्लस अ इक्वल्स टू हो जाएगा थन. इक्वल्स टू का मतलब होता है बराबर. वन, बहुत सारे पेड़ जहाँ रहते हैं ना उसको वन कहते हैं. एक से ज़्यादा पेड़ जहाँ होते हैं उसे वन कहते हैं, फॉरेस्ट. ओके, व प्लस अ प्लस न प्लस अ इक्वल्स टू वन. र, ये आधा र है. जब हम किसी भी अक्षर में जो नीचे मात्रा दी गई है उसे हलंत कहते हैं. किसी भी अक्षर में हलंत जब लग जाता है तो वो अक्षर आधा हो जाता है. तो उसमें हम कोई भी मात्रा जब जोड़ते हैं तब जाके उस अक्षर का वो अक्षर पूरा पूर्ण रूप से आ जाता है. जैसे र, र में आधा हलंत है प्लस अ जोड़ दिया तो वो हो गया र. अगर इसमें हमने आ जोड़ा होता तो ये हो जाता रा. तो इस तरह ये सब जोड़ने के बाद इसका पूर्ण रूप से शब्द बनता है रथ. अ की मात्रा वाले शब्द अब आप मेरे साथ दोहराएंगे. नल, धन, जल, थन, रथ, फल, नथ, पथ, वन, बल. ये थे अ की मात्रा वाले शब्द. अभी आप क्या करेंगे, ये अ की मात्रा वाले शब्द आप अपनी पुस्तक में लिखेंगे और उसे बार बार रिवाइज करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स.